तो बिहार के मैनेजर हत्याकांड में अब नीतीश सरकार हरकत में आई है और बताया जा रहा है नीतीश कुमार ने डीजीपी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इसी के साथ कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। डीजीपी से पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली है और ऐसी अपराध की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी, ये उन्होंने कहा है। जल्द गिरफ्तारी के निर्देश, लेकिन सवाल यही है कि पटना पुलिस उन तक पहुंचेगी कब तक, इसी पर हमारी है नजर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चले, एक बार हम आपको जरा दिखाना चाहते हैं बिहार में जो क्राइम ग्राफ है, जिसमें अपहरण की जो तमाम वारदातें हैं 2004 की हम आपको बता रहे कहानी और फिर 2019 की, ये ग्राफ जो है इसमें 325% की बढ़ोतरी बहुत सारी बातें बता रहा है। इस पर नजर रखनी होगी अब्बास साहब आपको और विवेक ठाकुर आपको। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो तमाम अन्य इंडिसेस हैं उसमें भी हम आपको पूरी बात दिखाना चाहते हैं। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में पहले 411 होते थे, इसमें गिरावट है, इसमें कमी है। एनडीए की सरकार में इसमें 43 मामले आए हैं, यानी 89% की कमी आई है। हत्या के जो मामले हैं उनमें 18% की कमी आई है एनडीए की सरकार में। जब आप आरजेडी वर्सेज एनडीए देखते हैं, वहीं डकैती के मामले में भी यहां पर बड़ी गिरावट दिखती है। जो आरजेडी वर्सेज एनडीए सरकार में आप देखते हैं तो 1297 तब और अब 391, यहां पर जबरदस्त कमी दिखाई देती है। तो लालू बनाम नीतीश कुमार, क्या थी परिस्थिति और क्या है परिस्थिति, इसके कुछ ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जल्दी से आपके पास मृत्युंजय कुमार जी आना चाहते हैं। ये पुलिस पटना में इतनी नाकाम क्यों साबित हो रही है, मृत्युंजय जी? अंजना जी, देखिए इस घटना से पुलिस से मरमाहत है या सारे लोग हैं। ये घटना को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया है और मैं बता दूं कि घटना के पीछे के सारे पहलू पर पुलिस एसआईटी की गठित करके, पटना के सिटी एसपी हैं, एसटीएफ इसमें जुड़ी हुई है, हर बिंदु पर गहराई से जांच कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अति शीघ्र पूरे घटना का पट्टाक्षेप होगा। नहीं, ये बिहार की पुलिस है कि बड़े बड़े आतंकवादियों को बिहार की धरती से पकड़ा गया, अपराधी पकड़े गए हैं, नकली पकड़े गए। पुलिस का एक बार आज भी जनता का है, पुलिस पर भरोसा है। जनता आज के डेट में बिहार पुलिस ऐसे हैं, यहाँ के कर्मठ और बहादुर पुलिसकर्मी है कि कई बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ मार गिराई है, कई बड़े बड़े घटना का उद्भेदन हुआ है। इस घटना का मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अति शीघ्र पुलिस उस दिशा में बढ़ रही है और कल तक परसों तक, मतलब एक दो दिन के अंदर में पूरे घटना के पीछे के क्या पहलू है, क्या तथ्य है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन लाइनर थे, कौन अपराधी है। ठीक है प्रेमचंद जी, जल्दी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर हमारी पुलिस इतनी सक्षम है तो रोज मर्डर कैसे हो रहा है और कोई पकड़ा क्यों नहीं आ रहा? देखिए सीसीटीवी कैमरा, देखिए हत्या एक ऐसा है जो एक विवाद के साथ दो आदमी बैठे हुए हैं, वो अगले से विवाद होते हत्या कर सकते हैं। अपहरण के सुनियोजित प्रायोजित रहता है, वो अलग क्राइम है। हत्याएं तो किसी भाई भाई के लेके, किसी बंटवारे के लेके, किसी में तूतुमय में हुआ, उसके मन में क्या हुआ, घटना कारित कर देता है। तो हत्या और दूसरे अपराध के अलग अलग पहलू को देखना चाहिए और हत्या के पीछे कारण जो तात्कालिक होते हैं और उसके बाद पुलिस का कर्तव्य क्या है कि अपराधियों को गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में पहुंचा के उसे स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाए। पुलिस इस दिशा में बिहार में काम करती है, सरकार कोई हो, यहाँ के पुलिस मुख्यालय भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और पुलिस भी चिंतित है। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना, आप पुलिस एसोसिएशन के नेता है, उससे भाषण देने ठीक है, आप क्राइम का नेचर देखिए ना, एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी दोनों आंखें निकाल ली, ये क्रूरता है। मुजफ्फरपुर में दुराचार किया फिर जला दिया, ये क्रूरता है। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर पुलिस का निश्चित तौर पर चिंतित, देखिए पुलिस चिंतित है, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं के बाद रियल परिणाम क्या है? आज के डेट में पुलिस बता रहे हैं कि पुलिस किसी को आज के डेट में कोई अपराधी हो के हत्यारे को पकड़े गए क्या, ये पकड़े जाएंगे, निश्चित समय लगता है। देखिए किसी घटनाएं में समय सीमा, देखिए किसी में तत्काल 12 घंटे में भी पकड़े जाते हैं, 2 घंटे में भी, किसी में 2-4 दिन भी लग सकते हैं, समय देनी चाहिए। पुलिस वही होती है, सरकार कोई हो पुलिस वही होती है, अपना कर्तव्य काम करती है, कानून की रक्षा, जनता का सुरक्षा पुलिस का परम कर्तव्य है, अपने कर्तव्य पर आज भी और चल रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं, नहीं लगा बढ़ने घटने की समीक्षा समीक्षा के मैं नहीं जाता हूँ। पुलिस का कर्तव्य अपने कर्तव्य पथ पर आज भी वो खड़ी है और काम कर रही है और इस घटना का विवेक जी, प्रेमचंद जी की बातों का भी जवाब दीजिए और पल्ला नहीं झाड़ पाइएगा।
गठबंधन की सरकार है, आप भी सरकार हैं साहब। इनकी सरकार क्या है, ये तो विवेक जी नीतीश कुमार को डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहते हैं, नहीं। प्रेमचंद जी की बातों का जवाब भी दीजिए और ये भी बताइए, ये पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आप लोग भी सरकार का हिस्सा हैं, सरकार में शामिल हैं। बिल्कुल है, और बहुत अच्छी अच्छे अच्छे काम इस सरकार ने किया बिहार के विकास के लिए, इसमें पल्ला झाड़ने की तो कहीं कोई बात नहीं है। सुशासन शब्द जो है गवर्नेंस में या सरकारी या राजनीतिक बोलबाल की भाषा भी आई है जब एनडीए सरकार का गठन हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप और ये जो आज इतनी चर्चा हो रही है, तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं इस बात से कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी परेशान नहीं होंगे कि ये जो हुआ है इससे। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आखिर इम्यूनिटी क्यों आ रहा है सामान्य लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में पुलिस महकमा में, ये प्रश्न है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जो अफसर फील्ड में है, अब उसका एक गृह विभाग को सबको ये आकलन करना पड़ेगा कि राइट चॉइस है फील्ड पोस्टिंग का कि नहीं है। ऐसा ही सुशासन था हमारी सरकार में, तो खौफ कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है, चाहे क्रिमिनल बैकग्राउंड का राजनेता नहीं होगा कि जिसको खौफ नहीं था इसी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जरूर है कि एक समीक्षा का विषय है। अब ये हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से स्थितियाँ गंभीरता उभर रही हैं, कुछ अच्छे कदम उठेंगे जिसके चलते कि ये जो हालात है इसमें निश्चित बदलाव आएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है।